लाइव ओके पर जल्द शुरू होने जा रहे शो नागार्जुना एक योद्धा एक आधुनिक सुपरहीरो सीरीज है। शो में वासुकी जो कि अर्जुन के मार्गदर्शक हैं, इनका किरदार एक्टर मनीष वाधवा निभा रहे हैं। अपने शो के प्रमोशंस के चलते मनीष मंगलवार को इंदौर पहुंचे। मनीष 19 साल बाद इंदौर आए और दबंग न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में मनीष ने शो से जुड़ी कई बातें साझा की और अपने कई एक्सपीरियंस भी शेयर किए। इस दौरान उन्होंने शो की शुद्ध हिंदी भाषा में अपने कुछ डायलॉग भी बोलकर सुनाए। हम देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई सारे शोज़ रोज़ ऑन एयर होते हैं, लेकिन लाइफ ओके पर अभी बहुत जल्द एक नया शो ऑन एयर हो चुका है जिसका नाम है नागार्जुना एक योद्धा। जी हाँ, वैसे तो सुनने में ये कोई एक हिस्टोरिकल कहानी लगती है, लेकिन वाकई में अगर आप इससे देखेंगे तो ये एक आधुनिक एक आधुनिक जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं जैसे हम सुपर हीरोज़ देखते हैं उस काइंड ऑफ शो है। तो क्या इसकी कहानी है, क्या रिलेशन है इसका, ये ऐसा है भी या नहीं, सीधे ये हमें बताने के लिए शो से आ गए हैं वासुकी जी अपने पूरे गेटअप में। वेलकम टू इंदौर मनीष। थैंक यू सो मच। वासुकी का आपका एक गेटअप है, लेकिन आपके बारे में बात करने से पहले एक शो के बारे में ब्रीफ दे दीजिए। ये एक आधुनिक सुपर नेशनल पावर्स की कहानी है, क्या ऐसा कुछ है इसमें, क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सच में सुपरमैन यानी खासकर तो नागार्जुन एक योद्धा की कहानी है जो खुद भी नहीं जानता कि उसके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं और वो शक्तियाँ कैसे जागृत होंगी और वो कौन है, क्योंकि वो सिर्फ इतना जानता है कि उसे 20 साल पहले किसी ने पैदा करके छोड़ दिया था। वो क्या है, वो अपने बारे में खुद भी परेशान है, जो उसके सारे साथ सारी घटनाएं होती हैं। वो अचानक बड़े से बड़े लोहे को ऐसे एक ही हाथ से दो हाथ से रोक देता है, या कह सकते हैं कि वो किसी को कहीं से भी, यानी वो गिरते हुए अगर वो पहाड़ से गिर रहा है एक उंगली से ऐसे दो ऐसे खींच के बचा लेता है, या गाड़ी को ही खींच लेता है। तो उसे खुद भी नहीं पता वो उसके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं और वो शक्तियाँ सही तरीके से जानी चाहिए। अब कुछ लोग लगे हैं वो शक्तियाँ गलत दिशा में चली जाएं और वासुकी जो मुझे करने का मौका मिला है उसे ये है कि उसकी शक्तियाँ जो हैं सही जगह पर लगें, मानव कल्याण के लिए लगें, क्योंकि आज एक्चुअली मानव कल्याण के लिए कोई नहीं सोचता, सब सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड है और वो सेल्फी खींच खींच के सच में एक्चुअली वो सेल्फी की बात में इसलिए आया क्योंकि मैंने अभी भी गौर किया था और मैं अभी जहाँ से आया हूँ वहाँ हम सब, मैं भी सेल्फी पे लगे हुए थे कि हम सच में एक्चुअली अपने आप से कितने घिरे हुए हैं। वहाँ कुछ भी हो रहा हो हम अपने आप से घिर जाते हैं, यानी अपने आप को नहीं छोड़ते। तो इसलिए मैं वो कहानी से जोड़ते हुए कि वो सेल्फ यानी सब आदमी सिर्फ अपना 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 सोच रहे हैं, बट यहाँ जो है चूँकि वो अर्जुन नहीं जानता और उसकी शक्तियाँ गलत जगह ना चली जाएँ, इसीलिए ये जो वासुकी, क्या वासुकी या मनीष दोनों कहीं ना कहीं अपने आप में सेल्फ ऑब्सेस्ड है? मेरे बारे में तो मेरे साथी हैं या जो मेरे परिवार वाले हैं, जो दोस्त हैं, वो बता पाएंगे, क्योंकि अपने आप को जज करना या अपने आप को जज कर पाना, मुझे तो अपनी दृष्टि से मैं अच्छा ही लगूंगा। अब वो सामने की वाले की सोच है या सामने वाले का जो सच है वो जानेगा, वो बताएगा कि मैं कैसा हूँ। बिल्कुल, कई बार हम देखते हैं कि दो तरह के फिक्शन शोज होते हैं, एक जो कहानियों पे कहीं ना कहीं आधारित होते हैं, हम देखते हैं कि महाभारत पे कहानी बन गई, रामायण पे कहानी बन गई, और एक दूसरे तरह के शोज ऐसे होते हैं जैसे हम देखते हैं सुपर नेचुरल पावर्स वाले, कोई हीरो है वो कल्याण के लिए बचा रहा है, सुपरमैन है, या जो भी एक इस तरह के शोज होते हैं। तो आपका जो शो है उसमें नागार्जुन एक पूरा जो हम कहें कि एक हिस्ट्री से नाम निकल कर आता है, तो इसको आज के ज़माने में किस तरह रिलेट किया गया है? ये बड़ी अच्छी सोच है उन राइटर्स की, जो उन्होंने एक रिसर्च किया महाभारत और उस चीज़ के बारे में, और वो कैसे आज की कहानी से इसको जोड़ा उन्होंने। ये एक बहुत कमाल का पॉइंट था, हम जब मुझे इसके लिए कॉल भी आया तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने दो माइथो किए हैं और सोशल्स भी किए हैं, तो कहीं आपस में कोई रिलेशन नहीं था। हम ज़्यादा से ज़्यादा वो सोशल में जाते हैं और भगवान के आगे हाथ जोड़ देते थे, और जब माइथो में होते तो आशीर्वाद देते थे। अब ये माइथो और ये चीज़ें साथ में कैसे जुड़ेंगी, ये बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन बड़ा अच्छा जोड़ा है इन्होंने, बहुत अच्छा जोड़ा है और बहुत अच्छा आगे भी उम्मीद है कि करेंगे, क्योंकि और मेरा जो काम है, मैं सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, अपना काम किया, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि कहीं गड़बड़ हो रही है तो मैं पूछ लेता हूँ भैया क्यों ऐसा कुछ हो रहा है तो बता दीजिए, अगर काम सही चल रहा है तो डेफिनेटली वो आगे बताएंगे, क्योंकि वो मार्गदर्शक है, हमें तो सिर्फ चलना है उस पर।
तो आपको मज़ा आने वाला है, ये बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। मनीष, काफ़ी वर्सेटाइल रहे हैं आप आपके रोल्स में, यू नो माइथो शोज़, जैसा कि आपने कहा आशीर्वाद भी दिया है, कुछ सास बहू के झगड़े, नो उन्होंने कुछ ऐसे शोज़ में भी आप रहे हैं, थिएटर भी किया है, फिल्म्स में भी हमेशा रहते हैं, भूमिका निभाते रहते हैं अपनी। लेकिन जब वासुकी की स्क्रिप्ट सबसे पहले आपके पास आई, जब आपको अप्रोच किया गया, तो क्या फर्स्ट रिएक्शन था आपका इसके बारे में? सबसे पहले थैंक यू सर कि मुझे इस रोल के लिए सोचा उन्होंने। यू एक्चुअली लाइक्ड इट? हाँ, क्योंकि रोल अच्छा था, क्योंकि हर बार तकरीबन जितने कैरेक्टर्स हम करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं ग्रे होता है, और कोई ग्रे, कोई भी आदमी ब्लैक या वाइट नहीं होता, हर आदमी ग्रे होता है। इसमें पहली बार था कि ये आदमी पूरा का पूरा वाइट है। हाँ, ये कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा, जैसे मेरी उसमें लाइन भी थी, मैंने अभी 2-3 एपिसोड पहले कुछ बोल के दिखा दीजिए। अच्छा, अभी तो फंस गया खुद ही। उसमें लाइन थी, हाँ, सत्य कभी कभी किसी के लिए अहितकारी हो सकता है, सत्य किसी के लिए कभी कभी अहितकारी हो सकता है, और सत्य किसी को जीवन भी प्रदान कर सकता है। सत्य और असत्य का स्थिति अनुसार प्रयोग शास्त्रों में मान्य है। तो असत्य को, ये सत्य को गुप्त रखना, गुप्त रखने का मतलब ये नहीं है कि आप असत्य कह रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें सीखने को मिली कि यस, नॉट नेसेसरी कि आप वो सत्य किसी को इतना बुरा दिखा दें कि सामने वाला मर जाए। मनीष का कहना था कि डायलॉग्स को याद करने में और विग और ड्रेस को संभालने में बहुत मुश्किलें आती हैं। उन्होंने माना कि थिएटर ने उनकी भाषा और एक्टिंग को निखारने में अहम भूमिका निभाई। मनीष ने अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया, जब उनकी शॉट के दौरान विग निकल गई और उन्हें दोबारा शॉट देना पड़ा। बात मेरे दिमाग में आ रही है, आजकल के मॉडर्न जमाने में जहाँ हम यू नो व्हाट्सएप फेसबुक पे एक शॉर्ट फॉर्म्स की दुनिया में चले गए, यू नो थैंक्स को हम THX लिख देते हैं, और उस जमाने में, मतलब आज के जमाने में आके इतने कठिन शब्द बोलना, इन लाइंस को याद रखना, यू नो जो शायद हमने कभी सुने भी ना हो, हमारे शायद मम्मी पापा ने भी कभी ये शब्द शायद आजकल की भाषा में ना इस्तेमाल करें, वो शब्द यू नो पूरी स्क्रिप्ट उसमें होना कितना डिफिकल्ट होता है। मज़ा आता है, सच में मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। और जब हम लोग कर रहे होते हैं तो मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। जुड़े इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है, पता नहीं मैं किस चीज़ से जुड़ा हूँ, मुझे नहीं समझ में आया कि थिएटर, क्योंकि मैंने मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ, डेफिनेटली थिएटर ऑफकोर्स, वॉइसिंग जहाँ वो क्लैरिटी बोलने को मिली, पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा रहा है हमेशा कि हिंदी के कुछ इस तरह के शब्द या ऐसी चीज़ें मुझे बहुत आसानी होती है बोलने में। शायद मुझे इसीलिए ये रोल्स मिलते हैं, मुझे अप्रोच शायद इसलिए करते हैं, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद कह पाता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर दिस रोल यार, वासुकी अच्छा रोल है। और अच्छा मनीष, कभी कभी ऐसा होता है कि आप यू नो ऐसे गेटअप में, लाइक अगर आप किसी यू नो किसी शो में अपने रियल फेस के साथ एज अपने रियल गेटअप में जाते हैं तो लोग आपको पहचान जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी होती है, लेकिन कई बार ऐसे मैथोलॉजिकल शोज में जहाँ आपका पूरा गेटअप चेंज हो जाता है, तो ऐसा होता है कि लोग कई बार आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्या ये है, नहीं ये कन्फ्यूजन रहता है, तो कभी इस बात का डर नहीं लगा कि ऐसे शोज कंटिन्यू करके आइडेंटिटी शायद लोग मुझे कंटिन्यू पहचान ना पाए? नहीं, इसमें भी मेरे जैसे महाकुंभ में, लाइफ ओके का महाकुंभ था, उसके लिए मैं थैंक्स करूँगा अरविंद जी को और लाइफ ओके को, कि उसमें मेरे 6 गेटअप्स थे अलग अलग एक ही शो में। अब इसमें भी ऐसा है, इसमें ऑलरेडी मेरे 3 आ चुके हैं, इसी शो में 3 गेटअप मैं कर चुका हूँ, आगे चल के आप देखेंगे कि मैं कौन से गेटअप में आने वाला हूँ, क्योंकि ये मज़ा जो है, फिर उसके बाद क्या होता है कि लोगों को आदत पड़ जाती है कि यार ये कभी भी किसी भी गेटअप में आ सकता है, तो बहुत आसानी हो जाती है, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन क्या कभी मैं पूछना चाहूँगी, सभी व्यूअर्स के मन में भी ये सवाल होता है कि है ना, क्या कभी शो करते करते जो आपका इतना भारी विग है, जो ड्रेसअप है, कभी होता है ऐसा कि बोलते बोलते यू नो कभी विग स्लिप हो गया हो, या यू नो ऐसी कुछ कॉमेडी इंसिडेंट्स ऐसे कुछ बनते हैं शूटिंग के टाइम? स्लिप नहीं होती है, विग स्लिप नहीं हो जाती है, कोई इनसे निकल जाती है, तो उस वक्त थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, कॉमेडी नहीं होती है, क्योंकि आप मूड में होते हैं, बहुत अच्छा बोला और ये बोला कि अरे और वो लेंस में, अरे वो दिख गया यार, नेट दिख गया यार, नेट दिख गया, वो नेट को ठीक करो, तो उस वक्त एक मिनट के लिए वो होता है, फिर बोलते हैं यार, फिर वो हंसी आ ही जाती है कि यार चल लगाओ वापस करो, तो लेकिन कोशिश होती है, हमारे जो मेकअप और वो सब डिपार्टमेंट हैं वो इतने अच्छे हैं, कोशिश होती है कि ना ही निकले, लेकिन यू नेवर नो, कभी भागने के शॉट्स होते हैं, हुआ है, ऐसा हुआ है। अभी की बात बता रहा हूँ, अभी जो हम हार्नेस पे जो फाइट होती है, जैसे हम फाइट, मैं और अस्तिका की मेरी फाइट थी, उसमें हार्नेस लेकर ऐसे उल्टा करके जंप करके नीचे गिरना था, तो वो जंप हुआ, बहुत अच्छा जंप हुआ, जंप होते 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 जैसे ही गिरना था, विग जो है वो हार्नेस में अटक गई, विग बाहर मैं नीचे, तो इतना अच्छा शॉट फिर से करना पड़ा क्योंकि विग अटक गई थी उसमें, और विग पूरी बाहर थी, यानी
क्या हुआ पता नहीं, समझ में नहीं आया। अच्छा जाते जाते एक बार ये भी मैं समझना चाहूँगी कि VFX और जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं इनका काफ़ी यूज़ होता है इस शो में। लाइक आपको पता नहीं होता है शायद, वो आपको बोल देंगे कि आप यहाँ से ऐसे हाथ कर दो, और बाद में जब आप उसको टीवी पर देखेंगे तो वहाँ पे वो कुछ भी फिट कर देंगे ऐसा। तो जब आपके पास एक्चुअल क्रॉप नहीं है तब इसको करना कितना डिफिकल्ट? ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये आपको बता दिया जाता है कि एक्चुअली होगा क्या। जैसे अभी भी की बात थी कि मुझे बता दिया कि आप वो दूरदृष्टि से, कल के एपिसोड में ही था, दूरदृष्टि से देख रहे हैं कि आप वहाँ क्या हो रहा है और ऐसी चीज़ें। तो आपको सिर्फ सोचना होता है, आपको वो सच में उस मोड में जाना होता है कि आप सच में देख रहे हैं। क्योंकि आप जब बाद तक में वो इसको देख के कैसे लगता है कि यार मैंने तो इसको कैसे किया था और अभी तो पूरा बदल गया, बैकग्राउंड बदल गया। पता होता है, मैं तो उसको फील करके कर रहा होता, क्योंकि अगर मैं फील करके नहीं करूँगा, अगर मैं कन्विंस नहीं हूँ, मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता। अगर मैं ही उस सोच उधेड़ बुन में रहूँगा तो आपको कैसे कन्विंस करूँगा। थैंक यू सो मच मनीष हमारे साथ बात करने के लिए। 19 साल बाद आप इंदौर आए, आप बहुत पहले इंदौर आए थे एक बार, तो जाते जाते इंदौरियंस के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहिए, आपकी वजह से ही मैं हूँ, मुझे देखते रहिए, प्यार करते रहिए। आप प्लीज़ मनीष को देखते रहिए, प्यार करते रहिए। लाइफ ओके पर नागार्जुना एक युद्ध में वासुकी का किरदार ये निभा रहे। तो ये थे हमारे साथ, जिन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए मनीष ने। फिलहाल के लिए मैं साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन राजीव छाता के साथ दबंग न्यूज़ इंदौर।